हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी टाइम मैनेजमेंट में, काफ़ी डीमोटिवेट रहते, तो उनके लिए एक मैं वीडियो लेकर आया हूं यहां पे कि वो अपने टाइम को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम तक। अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम की कोई डेट वगैरह तो ऑफिशियली है नहीं, मगर आप ये मान के चलो कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि पहले सी एच एस एल होगा, आप लोगों को पता है, उसके बाद फिर एन टी पी सी ख़त्म होगा, ठीक है, जो रह चुका है अभी, उसके बाद जाके ग्रुप डी स्टार्ट होगा। तो ये ला के चलो अभी टाइम है आपके पास, तो जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है उनके पास भी एक अच्छा चांस है कि वो अपनी तैयारी को जो है अच्छा कर सकते हैं। अभी भी मौका है कि जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जिनकी हो चुकी है उनको अच्छी बात है, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो है ज़रूर ग्रैब करेंगे। जिसकी नहीं हुई है वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिन स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में कि किस टाइम क्या पढ़ना है, कैसे कैसे टाइम को अपने डिवोट करना है, कहाँ पे लगाना है अपने टाइम को, तो उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, कब मॉक टेस्ट लगाने, कैसे कैसे लगाने, तो सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। और उसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, किसी जिस स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदे तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे वंस इन अ लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम का एक ही ऑफर चल रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको 499 के पास मिलते हैं, 499 के यहाँ पे पास मिलेंगे आपको लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। 17,000 से ऊपर इसमें मॉक टेस्ट हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अभी सभी स्टूडेंट्स को जो है मॉक टेस्ट की तैयारी भी करनी पड़ती है, ताकि आपकी स्पीड बन सके, एक्यूरेसी बन सके। तो इसमें इतने सारे टेस्ट हैं। और ग्रुप डी की अगर बात करूँ खाली ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए, तो ग्रुप डी के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है 206 टेस्ट हैं, 51 तो उसमें प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, 51, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर भी दबा के टेस्ट लगा सकते हो आप, स्पीड टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, तो काफ़ी कुछ है इसमें आपके लिए। जिसने नहीं खरीदा ज़रूर खरीद लें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने जिन्होंने परचेज कर लिया। चलो आगे बात करते हैं हम टाइम टेबल की, टाइम टेबल पर कैसे कैसे मैनेज करना है। तो एक चीज़ याद रखना, आप कम से कम एटलीस्ट आपको 8 से 9 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, 8 से 9 आवर्स, इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब इसको कैसे कैसे डिवोट करना है, कैसे कैसे डिवाइड करना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में कि कहाँ पे कैसे लगा के चलना है। एक टारगेट बना के चलो, आपको सारा का सारा जो सिलेबस फिनिश करना है, जो सारा का सारा सिलेबस जो फिनिश करना है वो आपको करना है 45 डेज में, ठीक है, 45 डेज में फिनिश करना है। 45 डेज का मतलब क्या है कि जून एंड तक, ठीक है, जून एंड तक आपको ख़त्म कर लेना है ये वाला, जो कि अभी 15 डेज रह चुके हैं मई के, और एक महीना लगा लो जून का, तो जून एंड तक आपको ये फिनिश कर देना है पूरा। एग्जाम चाहे कभी भी हो, मगर उसके बाद आपकी सिर्फ रिवीजन चलेगी। जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिलेबस के डिस्कशन कर लेते हैं एक बार छोटा सा। करंट अफेयर और जो जीके आती है, जनरल अवेयरनेस, वो सबको पता है 20 नंबर की आती है इसमें, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग आपकी ये 30 मार्क्स की आती है, ठीक है। मैथ्स 25 मार्क्स की आती है अपनी, और साइंस जो आती है, साइंस भी 25 मार्क्स की आती है। तो आप ये देखो कि साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इनका वेटेज कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो मेन जो आपको फोकस रखना है वो इन चीज़ों पे रखना है, सबसे ज़्यादा फोकस साइंस पे, रीजनिंग पे, ठीक है। तो पहले एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कशन करना है। 8 से 9 घंटे आपको देने हैं, कैसे कैसे डिवाइड करने हैं मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अगर इनको आप जो है चार पार्टों में डिवाइड करते हो, चार पार्टों में, तो एक पार्ट जो रखना पड़ेगा आपको, रखना पड़ेगा मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का एक रखना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर प्लस जीके का, ठीक है, एक आपको साइंस का रखना पड़ेगा, साइंस का, और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपका मॉक टेस्ट में कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट में, ठीक है। जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसी वाला पोर्शन को मॉक टेस्ट भी रखना है आपको, और रीजनिंग वाला पोर्शन भी वो रखना है। अब इसको समझ लेते हैं हम कैसे कैसे करना है हमारे पास। यहाँ पे हमने 4 सेक्शन की बात करी है, यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स की बात कर रहे थे, मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में आपके दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट वो है जिन स्टूडेंट्स के पास जो है मैथ्स ठीक ठाक है, जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको मैथ्स करने में, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो हमेशा इसमें 2 घंटे के आसपास देंगे, 2 घंटे, और हमेशा वो नाइट में देंगे, नाइट में, ठीक है, जो नाइट का टाइम टेबल होगा आपका, जिनकी तैयारी अच्छी है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए बता दूं, वो एटलीस्ट 3 घंटे देंगे, 3 आवर्स देंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो मॉर्निंग में देंगे हमेशा टाइम, मॉर्निंग में, ठीक है। अब मॉर्निंग में और इवनिंग में, नाइट में क्या चक्कर है, तो मॉर्निंग में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं मॉर्निंग में ज़्यादातर जीए पढ़ना प्रेफर करते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि जिस स्टूडेंट की अगर मैथ वीक है तो उसको मॉर्निंग में सबसे पहले मैथ करनी चाहिए, मॉर्निंग में एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है तो उसको आप नाइट में कर सकते हैं या इवनिंग में कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। जिसकी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, जिसकी ठीक है उसको भी 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 45 डेज का आप टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और किस किस तरीके से डिवोट करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको हर एक चैप्टर जो है एक एक करके जितने चैप्टर हैं, ठीक है, 45 डेज में उसको डिवाइड करके डेली के डेली हर चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं, अगर कोई पोर्शन आपको कोई समझ नहीं आता, ठीक है, तो इसमें भी एटलीस्ट आपको 2 आवर्स देने पड़ेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की,
मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट प्लस रीजनिंग की, रीजनिंग की। तो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट जो लगाने, ये वीक में जो है 3 मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है, 3 in a week। हर वीक में 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, और उसको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है आपको। रीजनिंग देखो क्या करोगे आपके, जैसे मंडे है तो मंडे को आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, ट्यूसडे को आप जो है रीजनिंग करोगे फिर, ठीक है, फिर अगले दिन मॉक टेस्ट लाओगे, फिर रीजनिंग करोगे। तो एक टाइम आप जो है वीक में 3 दिन रीजनिंग करोगे, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन सबका ठीक होता है और ईजी भी होता है, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, ठीक है, और रीजनिंग भी वहां से कंप्लीट करोगे। करंट अफेयर की अगर बात करूं, करंट अफेयर की, तो एटलीस्ट आपको जो है मई 2020 से लेकर अब तक के, ये तो अच्छे तरीके से आने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इतने तो कम से कम आने चाहिए। एक साल के करंट अफेयर जो है उसमें आ जाते हैं, काफ़ी कुछ करंट अफेयर में से आ जाता है, ठीक है, तो ये पोर्शन आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है 1 से 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम बचता है, ठीक है, उसमें आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो भी आपका जीके में पढ़ना है आपको, क्योंकि उसका पोर्शन बहुत कम होता है, ठीक है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैक्सिमम पोर्शन जो आपको साइंस में आता है, जिसमें आपको हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 45 डेज हैं, तो आप 15 डेज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, 15 डेज में बायोलॉजी को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को, ठीक है, तीनों को 15-15 दिन में डिवाइड कर सकते हो, और उसको डिवाइड करके आपको इस तरीके से चलाना है कि कहीं से कहीं तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत न जाए। सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट जब लगाने बैठोगे, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर करने, सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। जिसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है, मॉक टेस्ट पर सिर्फ वही स्टूडेंट आएगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करने, ठीक। जब प्रीवियस ईयर आप कंप्लीट हो जाएंगे, 51 टेस्ट थे आपने यहाँ देख लिए थे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको इस पैटर्न पे चलना है। देखो एक बात याद रखना, हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आज भी, ठीक है, तो ये ना सोचे कि डीमोटिवेट हो गया कि कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होगा, इन दिनों कोरोना चल रहा है, स्टूडेंट्स खूब दबा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपको साइंस में या फिर जीएस में किसी टॉपिक में, स्टैटिक जीके में या फिर किसी और टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा आपको, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साइंस में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक हो आपका, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक अच्छा सा जो है तरीके से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि वो पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।